ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी? बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की व्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वह देही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए, जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया।
वे सब बारंबार कुल कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कोसलाधेश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ना थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं।
गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विषेद शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदंब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की अयोध्यापुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हूँ। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी और श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भर कर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा चावल, अंखुए, गोराचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली सी छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को खींच रही हों।
सुंदर मणियों से बने बंधन वार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित हैं। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हिनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ।
गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हे दुल्हिने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनि राज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था
वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलवाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाईं। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को व्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर
आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौ गुना भाव देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े।
प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। दोहा नंबर 361, मास पारायण, 12वां विश्राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में हिमाचल सुता माता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को
धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। चौदहों लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार के पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उनमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात
आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं
और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। शकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है, और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले जाकर उन्होंने ये वचन सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए आज आप सब संयम कीजिए जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेलकूद, कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि
उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुह सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपशय की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलिनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहते क्यों नहीं,
श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें क्यों कोई सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांटकर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलिनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर तब वह अयोध्या की
शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भारत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़ कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी, तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया, तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीव दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ।
किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुख दिया। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामनी, तुम करो तो उपाय, मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम धाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर
हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म वश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुछ संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता कैसे भव रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे राजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भेलिनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।
अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बढ़ावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को थाथी रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की कराकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलिनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। पृष्ठ संख्या 329, मास पारायण, 13वां विश्राम। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तारका के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था। परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन
झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोली, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन देखकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अर्चन का मांगा, उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी, अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है।
मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहां आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौसल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी धारा है और मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हारी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नमक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइये पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी,
फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मौन होकर मसान जगा रही हो, स्मशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें, अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा के प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राज द्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाले स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवध पति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते।